गोल्डन एरा के फाड़ू हीरो कात्या सचिन चौधरी अभी भी बीमार हैं और इस हफ्ते भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सबके लिए उन्होंने एक मैसेज भेजा है, ये देखिए। आज क्या है कि मेरी तबीयत खराब थी, पर मैं बहुत मिस कर रहा हूँ बच्चों को, और सबसे ज्यादा मिस मैं मेरी बॉडीगार्ड को कर रहा हूँ, अनुदिता दीदी को, राबिया पॉल भैया आपकी बहुत याद आ रही है, गीता मामा आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, आप मेरे को एक बार भी नहीं मिलने के लिए आए, इसलिए मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। आई लव यू गीता मामा। हेमा सर आपको भी मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। हॉस्पिटल में बैठा बैठा टीवी देखता रहता हूँ, इसलिए मैं सभी लोगों के लिए ना एक शायरी याद किया हूँ। जिंदा हूँ जब तक सांसों में रवानी है तब तक, एक बार हाथ आगे बढ़ा के देखिए, मैं लौट आऊंगा। नहीं है तो आज बहुत मिस कर रहे हैं उसको, क्योंकि जब वो आता है किधर भी जाओ, रिहर्सल हॉल में आता है, स्टेज पे आता है, ग्रीन रूम में आता है, तो इधर से उधर भागता रहेगा, कुछ ना कुछ शायरी सुनाते रहेगा, ये करते रहेगा। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। सचिन को बहुत मिस कर रहा हूँ, उसकी मस्ती, मेरे साथ खाना खाते हुए भी मस्ती करते हैं। जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पी। मेरे कात्या को मैं मिस बहुत कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं किसके साथ मस्ती करूँगा। वो जो भी बोलता था एकदम मतलब दिल खोल के सबको दिल के खुश करता था, लेकिन अभी हमारे दिल को खुश करने के लिए और एंटरटेनमेंट करने के लिए सचिन यहाँ पे नहीं है, तो बहुत मिस कर रहे हैं। सचिन हम लोग को सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते समय हंसाता था, डिनर करते समय हंसाता था, बहुत हंसाता था। आजकल कोई भी नहीं है हम लोग को हंसाने के लिए। मस्ती की बाहों में बीते हुए दिन, आवारा राहों में बीते हुए दिन, ना भूलेंगे ना भूलेंगे ये बीते दिन। सचिन को तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे बार बार हक करते रहता था, किसी भी चीज देते रहता था, तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ उसे। कि उसके बिना डीएडिटल मास्टर्स 3 पूरा नहीं है। वी जस्ट होप एंड वी प्रे कि सचिन जल्दी जल्दी हॉल पे आ जाए, प्रैक्टिस करे, मस्ती करे और बोले तो एकदम छकास।